रंजीत, क्या कर रहा है? तूने मुझे उठाया कैसे? सॉरी मोन्टू, मुझे भी नहीं पता कि मैंने आपको कैसे उठा लिया। देख रंजीत, मुझे नीचे उतार ले, वरना मैं तुझे मार दूंगा, बहुत मारूंगा। रंजीत, बस अभी उतारता हूँ। ठीक तो, अरे मोन्टू बॉस, मेरे मैजिक पावर ने इस मोन्टू की अकल सिखाने लगा दी। जादुई शक्तियाँ? ये जादुई शक्तियाँ मानव के पास कहाँ से आई? मुन्नू, मैंने तो मेरी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, अब मैं क्या करूँ? तो वो बूढ़ी बड़ी फिर से यहाँ पे आ जाएगी। उससे पहले मैं मेहर को ढूंढने निकल जाता हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि मानव के पास ये शक्ति आई कहाँ से। उठो बॉस। मेहर, मेहर, मानव, मानव, मानव रुक जाओ। मानव देखो, वो न्यू स्टूडेंट, बोलो क्या काम है? मानो, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास वो शक्तियाँ कहाँ से आई? कौन सी शक्तियाँ? अरे जिस शक्तियों से तुमने मोन्टू को उसकी गलतियों की सजा दी, वो शक्तियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? देखो, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो। मानो मेरी बात सुनो, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बता दो तुम्हारे पास वो शक्तियाँ कहाँ से आई? किसने दी तुम्हें वो शक्तियाँ? अरे ये क्या जबरदस्ती है, क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? और तुम हो कौन? मानो मैं बालवीर हूँ। क्या? हाँ मानो, मैं बालवीर हूँ। अच्छा, तो तुम बालवीर हो? वाह, तो फिर तुम बालवीर के रूप में क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ मानो। उस मुसीबत के कारण मैं अपने असली रूप में नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मानो देखो, मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगा। प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे पास वो शक्तियाँ कहाँ से जिससे तुमने मोन्टू को सबक सिखाया? इसने मुझे शक्तियों को यूज करते हुए देख लिया। लेकिन मैं क्यों मानो कि तुम ही बालवीर हो? ठीक है मानो, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम उस पर जादू करके देखो। अगर मैं सच कह रहा हूँ तो मैं अपने बालवीर के असली रूप में आ जाऊंगा, लेकिन मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझे इस बात की सजा मिलेगी। ठीक है मानो, तुम सोच कह रहे हो, मेरी बातों का विश्वास करो, मुझ पर वार करो मानो, जल्दी। ठीक है, अगर ये सच कह रहा है तो ये बालवीर बन जाए, और अगर ये झूठ कह रहा है तो मेरे पास शक्तियां हैं, वो वाली बात ये भूल जाए। बालवीर, हमारा बालवीर। माफ करना बालवीर, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं मानो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मानो अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये शक्ति आई कहाँ से? किसने दी तुम्हें ये शक्तियाँ? रानी परी से। रानी परी ने? इसका मतलब रानी परी और गाल परी मानव से मिल चुकी है। मानव, तो मुझे बताओ कि रानी परी ने ये शक्तियाँ तुम्हें कब और कैसे दी? बालवीर, मतलब रानी परी और गाल परी तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है? मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। हाँ, इस वक्त तो महर के साथ स्कूल में ही है। तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी चलो। हाँ। महर, महर। है कौन ये दोनों? लग रहा है ऐसा जैसे देख चुका हूँ मैं पहले भी इन्हें कहीं। मानव, तुम इन्हें घूर क्यों रहा है? हाँ? मानव, तुझे याद है ना हमें इनकी सुरक्षा करनी है, तू इतना इम्पोर्टेंट काम भूल गया। है बता रही ये भी मुझे काम के बारे में। अरे हो जाता मैं जहाँ है बताता, हर कोई मुझे काम ही नहीं करूँगा अब मैं कोई काम। मानव, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। नहीं करना मुझे कोई काम वाम, मैं जा रहा हूँ खेलने। अरे कहाँ जा रहा है मानव? हमें रानी परी और गाल परी की सुरक्षा करनी है और तुझे खेलने की पड़ी है। मानव, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। महक, आप मानव को मत रोकिए, मानव को खेलने दीजिए। जाइए मानव, आपको जितना खेलना है आप उतना खेल लीजिए। पर रानी परी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप दोनों हमारी चिंता मत कीजिए। हाँ, जिन्हें ढूंढने के लिए हो रही है पागल महाविनाशनी, वो रानी परी है खड़ी मेरे सामने। हूँ, अभी जाके बताता महाविनाशनी को रानी परी के बारे में। मानव रुक, मानव सॉरी रानी परी, सॉरी गाल परी, पता नहीं मानव को अचानक से क्या हो गया है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं महक, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए। सुबह सुबह स्मिता ने पूरे महीने का सामान और सब्जी लेने भेज दिया। पापा जी, आहा, थक गया मैं। अरे सुबह सुबह काम पे लगा दिया और काम के चक्कर में रानी और परी को गुड मॉर्निंग कहने का भी रह गया। सिर्फ हमने उन्हें सुबह सुबह देख लिया होता ना तो भी मॉर्निंग गुड हो जाती। एक बात कहूँ महेश बेटा, ये रानी और परी कितने सुंदर और सुशी। मैं क्या कह रहा था कि किसकी तारीफ हो रही है? रानी और परी की। मतलब रानी और परी कितनी सुंदर और सुशील है। आज के जमाने में ऐसे पेंगेस मिलते कहाँ हैं? ऐसे दिख नहीं रही है। कहाँ गई दोनों? चली गई। है? आप क्यों पूछ रहे? नहीं, मैं ये फाफड़ा और ढोकला लाया था छगन भाई के ठेले से, उनके हमारे लिए। हाँ, हाँ। तो सोचा थोड़ा सा खा के चली जाती। बहुत फिक्र है ना उनकी। अरे बेटा, फिक्र करेंगे तब जाके किराया ज्यादा मिलेगा ना। अरे हाँ माँ, ये बात तो हम लोग भूल ही गए हैं ना। हाँ बहू, अब खामखा शक किया ना इन पर। हाँ ठीक है, देर से ही सही, लेकिन हमारे इरादे तो तुम्हारे समझ में आए कस्तूरी। नहीं, हमसे गलती हुई है ना बहू? हाँ माँ, हमें हमारे किए का प्रायश्चित करना चाहिए ना। प्रायश्चित करने की क्या जरूरत है सुधा? अरे ये तो सब होता रहता है बाबू जी, होता रहता है। हमारी गलती सुधारने के लिए हम दोनों ने ना आपके लिए गिफ्ट मंगवाई है, आप वो तो ले लीजिए। अरे इतनी सी बात के लिए गिफ्ट की क्या जरूरत है? नहीं नहीं बापूजी, गिफ्ट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। रॉकी भैया, रॉकी भैया, जरा वो गिफ्ट तो लाना। कोई बात नहीं। मैं मोटा भाई और बाबूजी के लिए गिफ्ट ले आया। बाबूजी ये भी, ये आपका गिफ्ट, मोटा भाई ये आपका गिफ्ट। अच्छा अच्छा, हाँ वाह। अरे खुली खुली, जल्दी खोलिए। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ खोलते हैं खोलते खोलते हैं खोलते हैं। रॉकी, यहाँ हमें सजा मिल रही है और तुझे मजा आ रहा है। आहा, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर इसी तरह आप रानी और परी के आगे पीछे घूमते रहे ना तो याद रखना मेरा नाम कस्तूरी है। वो तो वाह, तो किराया ज्यादा मिले इसलिए हम ये सब कर रहे थे ना बापूजी। अच्छा, ज्यादा किराए के चक्कर में कुछ ज्यादा ही चक्कर नहीं काट रहे थे आप उनके? अगर दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो दो गिफ्ट और हैं, लेके आओ लेके आओ। नहीं 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 बेटा, अंग्रेजी में वो दूर रहने के लिए क्या कहते हैं? कीप सेफ डिस्टेंस। सही कहा। महर 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 परी? रानी परी, बालवीर वो देखो, महेश और रानी परी। रानी परी? बालवीर, बालवीर जीवित है। बालवीर लौट आया। हाँ महेश, आज अनहोनी से होनी हो गई। गाल परी, हमारे बालवीर जीवित है। हाँ रानी परी, मैं गाल परी चलिए। चलो उनके पास चलते हैं। हाँ माना। बालवीर, रानी परी, देखा मैंने उन्हें यहाँ पर ही बदले हुए रूप में। वो कह रहा मैं सच महाविनाशनी थे, वो इधर ही गए कहाँ? रानी परी क्या हुआ और ये कौन है? मैं, जिस बुरी शक्ति के बारे में हमने आपसे कहा था, वो बुरी शक्ति यहाँ पहुंच चुकी है। हाँ? ये कौन है बालवीर? ये महाविनाशनी है मानो। रुको, तौबा तौबा, मुझे यहाँ से सच्चाई की शक्ति का आभास हो रहा है। मैं तो शक्तिहीन हूँ, अगर महाविनाशिनी ने मुझे देख लिया तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। हमें किसी भी हालत में बालवीर को बचाना होगा। बिना शक्तियों के हम कर भी कह सकते हैं रानी परी। आत्मसमर्पण। क्या? हाँ गाल परी, आत्मसमर्पण। इससे पहले कि महाविनाशनी बालवीर तक पहुंचे, हमें आत्मसमर्पण करना होगा। आप ठीक कह रही हैं रानी परी, लेकिन रानी परी आप, मेहर आप चिंता मत कीजिए, इस समय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन आप यही रहेंगे। ठीक है रानी परी। और मेहर, ये बहुत ही कीमती चीज है, इसे बालवीर को दे दीजिएगा। ठीक है रानी परी। चलिए गाल परी। जी रानी परी। रुक जाओ रानी परी। हाँ, रुक जाओ रानी परी। परी, आखिर तुम बुराई के चंगुल में फंसी गई। क्या लगा था तुम्हें मुझसे बचकर भाग के मुझे हराने की योजना बनाओगी? अरे तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि से बनी महाविनाशिनी हूं मैं, बुराई की रक्षक। सच्चाई की विनाशक महाविनाशनी अब तुम्हारे परिलोक में तुम्हें समाप्त करेगी। जिस परिलोक से जाने के बाद वहां की हवा बदल जाती थी, उसी परिलोक में तुम अपनी आखिरी सांस लोगी रानी परी। और फिर मैं वहां तुम्हारे परिलोक में राज करूंगी। बुराई की रानी बनूंगी मैं, महाविनाशी। रानी परी, गाल परी। हाँ? रानी परी, गाल परी। मेरे लिए रानी परी और गाल परी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बागी, रानी परी ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था और आपकी सारी शक्तियां वापस ली जाती हैं। मिल गई मुझे मेरी शक्ति। अब मैं महाविनाशनी को उसकी गलतियों की सजा दूंगा। रानी परी को मेरी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन मैं रानी परी को कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, हमें तुम्हारे साथ आता है क्योंकि हमारे पास रानी परी की शक्तियां हैं। हाँ बालवीर, हम तुम्हारे साथ आते हैं। नहीं मानू मैं, तुम दोनों मेरे साथ नहीं आ सकते अब, क्योंकि अगर मुझे रानी परी को महाविनाशी की कैद से बचाना है तो पूरा ध्यान मुझे वहीं पर लगाना होगा। और अगर तुम दोनों मेरे साथ आए और महाविनाशी ने तुम दोनों पर हमला किया तो मेरा ध्यान तुम दोनों पर भटकने की संभावना है। और इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं ले जा सकता। लेकिन उसकी शक्तियों से तुम अकेले कैसे लड़ोगे बालवीर? मोन्टू, छोड़ दो मेरी पेंटिंग। मोन्टू, छोड़ मेरी पेंटिंग। मोन्टू, ये पेंटिंग मेरी है, मैंने बोला ये पेंटिंग। मोन्टू छोड़ दे। मोन्टू को पेंटिंग छीनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। बालवीर भी नहीं। मोन्टू, मेरी पेंटिंग दो ना प्लीज। मोन्टू प्लीज, मोन्टू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आंटी रुको, हम है ना, हम इस मोन्टू को सबक सिखाएंगे, है ना मानव? चल चल। मोन्टू प्लीज दे दे मेरी पेंटिंग। मानव, मोन्टू की अच्छी तरह से बैंड बज जाए, वो इस वैक्यूम क्लीनर की तरफ खींचा चला जाए। लगता है ये वैक्यूम क्लीनर आपको खींच रहा है। पूरी कब तक करोगे? आपको खींचेगी। भागो यहाँ से, यहाँ कुछ तो है जो आपकी बैंड बजा रहा है। बालवीर, मजा आ गया ना? हाँ मालूम है, मजा तो आया, लेकिन साथ ही साथ महाविनाशनी को हराने का मुझे एक रास्ता भी मिल गया। हाँ, महाविनाशनी जल, धरती, वायु, अग्नि और आकाश के मिल से बनी है और इसीलिए कहीं पर भी उसको हराना असंभव है। लेकिन एक ही जगह है जहां महाविनाशनी को मैं समाप्त कर सकता। बालवीर, ऐसी कौन सी जगह है? क्या तुम महाविनाशनी को समाप्त कर सकते हो? हाँ? काल ब्रह्मांड। काल ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहाँ महाविनाशनी का अंत हो सकता है। मानव है, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बालवीर। रानी परी, देखो देखो, तुम्हारे आते ही यहाँ की हवा बदल गई। बुराई यहाँ चैन की सांस ले रही है, और सच्चाई सच्चाई अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है। रानी परी, वक्त आ गया है इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का। रानी परी, शक्ति दो खरी। भाइयों, हम जिए या मरे, है हमारा मकसद अपनी रानी परी को बचाना। एक कहा था तुमने, है बालवीर जीवित तो आ क्यों नहीं रहा है? रानी परी को इस संकट से बचाने के लिए आएगा, आएगा बालवीर भी जरूर। और आना चाहिए, जब तक बालवीर करनी होगी अभी रानी परी की रक्षा। हाँ डुबा डुबाई, मैं आ गया डुबा डुबाई। बालवीर, बालवीर कर दो हमें माफ, हम सब डुबा डुबाओं से गलती हो गई थी, हमने तुम्हें गलत समझा था। हाँ बालवीर, हाँ बालवीर, डुबा डुबा जो हो गया सो हो गया। अब हमें महाविनाशनी को उसकी गलतियों की सजा देनी है बालवीर। डुबा डुबाई, मेरी शक्तियां भी वापस आ गई है। सच है ये तो और भी अच्छा। बालवीर, बालवीर कर दो समाप्त उस महाविनाशनी को अपनी शक्तियों के प्रहार से। नहीं डुबा डुबाई, महाविनाशनी को हराना इतना आसान नहीं है। वो आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि के मेल से बनी है। मेरी शक्तियां ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाएगी। तो फिर हराएंगे कैसे उसे हम बालवीर? अकल से। जब बल कम पड़ जाए तब अकल का उपयोग करना चाहिए। हम महाविनाशनी को छलावे से काल ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे। काल ब्रह्मांड? काल ब्रह्मांड? हाँ डुबा डुबाई, काल ब्रह्मांड। क्योंकि काल ब्रह्मांड में उठने वाले भवंडर के सामने ना ही कोई शक्ति टिक सकती है और ना ही कोई ग्रह, और इसीलिए महाविनाशनी को वहां हराना आसान होगा। इस बक्से में क्या है डुबा डुबाई? इस बक्से में रानी परी के दिए हुए कुछ जादू यंत्र, जिसकी मदद से बना रहे थे हम योजना महाविनाशनी पर हमला करने की। रुको बालवीर, वो दिखाता मैं तुम्हें अभी। है ये धुआं बम, इसे फोड़ने से है निकलता इसमें से धुआं। ये धुएं में साफ साफ दिखाई देने के लिए ऐनक, ये हूबहू यंत्र। इसके इस्तेमाल सकते बना सकते हो किसी भी चीज का हुबहू रूप। और ये एक बार 5 शिकार तीर कमान, और इसे तो हो जानते तुम पहले से ही है। ये मस्त कवच पूर्ण खटोला यंत्र डुबा डुबाई, ये यंत्र हमारे बहुत काम के है। मेरे मन में एक योजना आई है। 3 रुक जाओ महाविनाशनी। 2 रुको विनाशनी। 1 गई रानी परी कठपुतली। वाह मेहर, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है तूने। तू इस फाइनल में जीत ही जाएगी। थैंक यू मानव। और तेरी भी पेंटिंग बहुत सुंदर बनी है। थैंक यू। अरे मानव, बात करने में टाइम वेस्ट मत कर। देख सब बच्चे अपनी पेंटिंग रख के जा चुके हैं, हमें भी जाना चाहिए। जल्दी कर, चल। ये देखो बॉस, देखो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग है। अरे मोन्टू बॉस, आप कैसे जीतोगे? जीतूंगा, ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। और कैसे बॉस? आपकी पेंटिंग ये सब पेंटिंगों के सामने तो पानी कम कलर है। और मोन्टू बॉस, आपको पता है ना, आपके पापा ने आपको फाइनल में मदद करने के लिए मना कर दिया है। भले ही मेरे पापा ने फाइनल में मदद करने के लिए मना कर दिया है, पर मेरे पापा ने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि अगर मैं फाइनल में जीतूंगा तो मुझे गिज़मो वॉच गिफ्ट करेंगे, और उस गिज़मो वॉच के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आप करोगे क्या? खराब कर दूंगा इन सारी पेंटिंग्स को, मैं खराब कर दूंगा। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। पर मोन्टू बॉस, यहाँ तो ना बास है ना बांसुरी। इधर हाँ, समझ गया बॉस। ये मोन्टू सुधरेगा नहीं। नाच तो मेरे से पीटेंगे। सॉरी मेहर, इसे पीटने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो ये सारी पेंटिंग्स लाइव होकर उस मोटे को पीट सकती है। अरे हाँ, तेरा क्या आइडिया है माना। और अब तो हम अपने पावर्स भी यूज कर सकते हैं। अब देख मैं इस मोन्टू और रोहित के कैसे बैंड बजाती हूँ। हमारे पावर्स एक्टिवेट हो जाए, ये सारी पेंटिंग्स लाइव होकर मोन्टू और रोहित की बैंड बजाए। हम सबसे पहले इस क्रिकेट वाली पेंटिंग को खराब करेंगे। कानवास। मोन्टू बॉस, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रोहित, ये सब ड्राइंग्स तो लाइव हो रहे हैं। हाँ बॉस। बालवीर जी। रानी परी, आगे बढ़ो रानी परी, तुम्हारा अंत तुम्हें पुकार रहा है। हमें अपने अंत का दुख नहीं है महाविनाशनी, क्योंकि हमें पता है बालवीर जीवित हैं और अब तक तो उन्हें उनकी शक्तियां भी मिल गई होंगी। हम रहे ना रहे, लेकिन बालवीर तुम्हें समाप्त कर ही देंगे। डुबा डुबाओ, हमले के लिए तैयार तैयार बालवीर। नहीं रानी परी, रानी परी रुक जाइए। नहीं रानी परी, धुआं कैसा, हम आपको गलत समझ बैठे थे, हमें क्षमा कर दीजिए। आपका बेटा मौत के मुंह से वापस आ गया है, क्योंकि न्याय के पत्थर पर कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलती और मैं निर्दोष हूँ, इसका प्रमाण डुबा डुबाई है। डुबा डुबाई? हाँ, डुबा डुबाई जीवित है। वो देखिए, बाइक। हाँ परियो, हूँ मैं जीवित। महाविनाशनी, अब देखती जाऊं किस तरह मैं तुम्हारी ही कठपुतली के सहारे तुम्हें समाप्त करूंगा। महाविनाशनी, तुम्हारा बुरा समय अब शुरू हो गया है और तुम्हारा अंत अब निश्चित है। हाँ। बालवीर तो क्या, इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे खत्म नहीं कर सकती। अगर बालवीर मौत के मुंह से वापस लौटा है तो मैं उसे फिर से मौत के मुंह में डाल दूंगी। तुम मुझसे मेरी कठपुतली दूर नहीं कर सकते। उतनी भी खास नहीं है। चल। ये थोड़ी टफ कॉम्पिटिशन दे सकती है। मैं भी देखता हूँ कि ये बिट्टी कैसे कॉम्पिटिशन जीतते हैं। अभी सबके पेंटिंग्स पे पानी डाल दूंगा। देखना क्या? चल पानी चालू कर। क्या कर देगा ये मोन्टू? कभी नहीं सुधरेगा। अभी इसे मैं चखाता। रोई चालू कर। मोन्टू ही भीगे इस पाइप के पानी से। मोन्टू की कमजोर शैतानी। अरे ये पानी अटक कैसे गया? पानी वापस बंद हो गया। पानी वापस बंद हो गया। पेंटिंग की जगह मैं ही भीग गया। बालवीर, मुझसे मेरी कठपुतली दूर नहीं कर सकते। बालवीर, ये क्या हो रहा है? मैं नीचे कैसे गिर रहा हूँ? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे इससे रुकना होगा। अरे मेरी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये मेरे साथ? मूर्ख, मुझे हराने चले थे, वो भी मेरी कठपुतली का सहारा लेकर। लो, जलाकर राख कर दी ये कठपुतली मैंने। अब ना बची कठपुतली और ना काम आएगी तुम्हारी बेकार शक्तियां। निश्चित है तुम्हारा अंत। क्यों बालवीर, अपनी मौत को सामने देखकर होश उड़ गए? महाविनाशनी, रानी परी और ये कठपुतली। गौर से देखो महाविनाशनी, रानी परी के हाथों में तुम्हारी ही कठपुतली है, तुम्हारी असली कठपुतली। और ये जो जलकर खाक हो गई वो तो उस कठपुतली का एक नकली रूप था। क्या? हाँ, खा गई ना धोखा महाविनाशनी, आ गई अकल ठिकाने। महाविनाशनी, जिस कठपुतली के साथ तुमने इस खेल की शुरुआत की थी, आज उसी कठपुतली के साथ मैं इस खेल को समाप्त करूंगा। तुम ये सोच रही हो कि मैंने तुम्हारी इस कठपुतली का नकली रूप कब बनाया? तो सुनो डुबा डुबाओ, ध्यान से सुनो, तुम सब अपने शस्त्रों की मदद से महाविनाशनी पर हमला करोगे, लेकिन इस बात का ख्याल रहे डुबा डुबाओ कि महाविनाशनी के हाथों से उसकी कठपुतली उससे दूर गिरनी चाहिए, ताकि मैं मौका देकर उसे अपने कब्जे में ले सकूं। और अगर महाविनाशनी ने वो कठपुतली मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं घायल होने का नाटक करूंगा। मैं किसी हंस के पास गिरूंगा और हूबहू यंत्र की मदद से कठपुतली का नकली रूप बनाऊंगा। और असली कठपुतली वहीं रखकर मैं नकली कठपुतली के साथ वहां से भाग जाऊंगा। महाविनाशनी अपनी कठपुतली को पाने के लिए पागलों की तरह मेरे पीछे आएगी और मैं बड़ी होशियारी से महाविनाशनी को काल ब्रह्मांड की ओर ले जाऊंगा। मेरे वहां से जाते रानी परी परितारा की मदद से अपनी सारी शक्तियां फिर से हासिल कर लेगी और महाविनाशनी की असली कठपुतली को लेकर वो काल ब्रह्मांड की ओर आएगी। डुबा डुबाई, रानी परी है यही वो महाविनाशनी की कठपुतली। महाविनाशनी, तुम्हारा अंत तुम्हारे करीब आ गया है। रानी परी का अपनी शक्तियों के साथ काल ब्रह्मांड में पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि रानी परी की शक्तियों के बिना वहां की चुंबकीय शक्ति जागृत नहीं हो सकती। अगर हमें महाविनाशनी को हराना है तो ये सब करना बहुत जरूरी है। गौर से देखो महाविनाशनी, तुम काल ब्रह्मांड में हो। यहाँ ना ही आकाश है, ना ही धरती, ना जल, ना वायु, ना अग्नि। यहाँ तुम्हारी शक्तियों पर विजय पाना हमारे लिए आसान था और इसीलिए तुम्हें यहाँ खींच लाया। रानी परी, तोड़ दीजिए इस महाविनाशनी का घमंड, परास्त कर दीजिए इसे इसी के कठपुतली के सहारे। महाविनाशनी, हमने तुमसे कहा था कि हम बहुत जल्द आएंगे तुम्हें मिटाने, और अब वो वक्त आ गया है। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। 19। मैं तुम दोनों को समाप्त कर दूंगी। ये लो, तुमने मुझे जो बच्चों की नजरों में बुरा बनाया, उसके लिए ये मां परी की मूर्ति पर प्रहार करवाने के लिए 13। ये परियों की नजर में मुझे बुरा साबित करने के लिए 10। ये मेरे हाथ और डुबा डुबाई को मारने की योजना बनाने के लिए 8। ये मेरी माँ पर मेरे हाथों से वार करवाने के लिए 4। और ये तुम्हारी बुरी योजना को अंजाम देने के लिए 3। तो 1। देखो महाविनाशनी, 22 पल पूरे हो गए। महाविनाशनी, जिस सच्चाई की रानी परी को तुम अपने हाथों की कठपुतली बनाकर मारना चाहती थी, आज उसी रानी परी ने तुम्हें अपनी हाथों की कठपुतली बना लिया। अलविदा महाविनाशनी, अलविदा। शाबाश बालवीर, शाबाश, हमें आप पर गर्व है। आइए सर। सर बैठिए। मैंने आप यहाँ तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल ने एक भव्य पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया था और उसमें भव्य बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उन भव्य बच्चों में से हमने 3 बच्चों को सिलेक्ट किया है। तो 3rd प्राइज जाता है नंददेव दिनेश यादव। सेकेंड प्राइज जाता है अंजलि परमार को। मेहर, 2 प्राइज तो जा चुके हैं। अब हम दोनों में से सिर्फ कोई एक ही फाइनल हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तू जीते। नहीं मानव, तेरी भी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। मैं चाहती हूँ कि तू जीते। नहीं नहीं, तू जीतेगी। नहीं, तू जीतेगा। नहीं, तू जीतेगी। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइज जाता है, अरे वाह, फर्स्ट प्राइज में यहाँ पर 2 नाम है, मानव डगली और महेश डगली। सॉरी बॉस। ये लोग वापस जीत गए। थैंक यू बॉस। अब आपके हाथ से विनर का कप भी चला गया और गिज़मो वॉच भी। वाह, मानो मेर, कॉन्ग्रेचुलेशन, पेंटिंग अच्छी थी। थैंक यू। वाह मेर, तुम इस कॉम्पिटिशन में जीत गए। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन। रानी परी, खुश रहो। रानी परी, खुश रहो। खुश रहो गाल परी, खुश रहो बालवीर, खुश रहो बच्चों, खुश रहो। देखो, हम इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में जीत गए। फर्स्ट। हाँ, और हमने भी मिलकर महाविनाशनी को समाप्त कर दिया। हाँ? बच्चों, हमें आपकी बहादुरी पर गर्व है। थैंक यू। बच्चों, अब कुछ ही पलों के बाद आपको, हम और आपके परिवार वालों को हमारे किराएदार का रूप कुछ भी याद नहीं रहेगा। मानव, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता। हाँ? चल चलते, चल। आप घड़ी 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 में क्यों देख रहे हैं? और आप दरवाजे की तरफ किसका इंतजार कर रहे हैं? रानी और परी का। हाँ? मतलब चिंता चिंता हो रही है हमें। कितनी देर हो गई है देखो, अभी तक दोनों आई नहीं, इसलिए चिंता कर रहा हूँ। कुछ भी कहो लेकिन वो हैं तो हमारे पेंगेस ही ना। हाँ, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अच्छा तो बाबूजी मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ ये लो, आज का दिन भी गया बाबूजी, आज भी कोई पेंगेस नहीं मिला। बेटा मैं तो कहता हूँ कि ये पेंगेस रखने का विचार ही छोड़ दे। क्या है, वैसे भी कोई बाहर का इंसान हमारे घर में रहेगा तो अच्छा तो लगेगा नहीं। हाँ, और कर्जे का क्या है, वो तो हम थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे। हाँ महेश, हम थोड़ी ज्यादा बचत करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह वाह, इसे कहते हैं सच्चा और अच्छा परिवार, है ना बाबूजी? एकदम सही कहा बेटा। चलिए अब चाय नाश्ता करते हैं। मैं लौट आया हूँ दोस्तों, बुराई को मिटाने, सच्चाई को बचाने। अब हर बच्चा मुस्कुराएगा क्योंकि बालवीर अब बुराई से टकराएगा।